आपको ये काम अपने घर में नहीं करना है, ये काम आपको खेत में, जिसको हम और आप चौड़ी बोलते हैं, वहां पे जाके करनी है। तो दोस्तों YouTube का एक एल्गोरिथम मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, पर जब ये डेली मेरे साथ होने लगा, फिर इसको मैंने अच्छे से समझा, फिर मेरे को पता चला कि ये परेशानी नहीं है, ये तो एक वरदान है। कौन सा वरदान है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके चैनल की जिंदगी बदल देगी, तो आप बस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। इस वीडियो के देखने के बाद से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो आप लाजिम वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। बाय द वे पिछले वीडियो में फर्स्ट कमेंट करने वाले ये है, तो मैंने इनके चैनल को अपने कम्युनिटी टैब में लगा दिया है, तो आप सब जाओ जाके सपोर्ट करो। अगर आप सभी अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में फर्स्ट कमेंट करो। जब आप फर्स्ट कमेंट कर दोगे मेरे वीडियो में, तो आपके भी मैं चैनल को इसी तरह से प्रमोट कर दूंगा। बाकी बात अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर, कि ऐसा क्या वरदान मेरे को पता लगा है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। देखो उसके लिए मेरे को सबसे पहले अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल में YouTube एप्लीकेशन को जब भी ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप सब अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ब्राउज फीचर में आखिर चल क्या रहा है। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे को एक माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो देखने को मिल रहा है। देख सकते हो 4 दिन पहले इसने माय फर्स्ट ब्लॉग करके ये वीडियो अपलोड किया है। तो अब मैं थोड़ा सा आप सबको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं। मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हो यहां पे एक ब्लॉग वीडियो आ रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तो आप सब देख सकते हो यहां पे भी एक माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो आ रहे हैं। पुराना माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो भी आते हैं यहां पे, और नया माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो भी आते हैं। देख सकते हो यहां पे भी एक माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो आ रहे हैं, जिसपे व्यूज भाई हजारों में, लाखों में, मिलियनों में होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हो माय फर्स्ट ब्लॉग यहाँ पे ये वीडियो आ रहे हैं। मतलब मेरे ब्राउज फीचर में कई दिनों से माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जितना नीचे जाता हूँ मेरे को माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो देखने को मिल ही जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, हिस्टोरी से यूट्यूब एप्लीकेशन को हटा देता हूँ, उसके बाद दोबारा ओपन करता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन को, उसके बाद देखता हूँ नीचे आके। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो आ रहे हैं। देख सकते हो मिलियनों में व्यूज है, और ये पुराना वीडियो है। नया माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो भी आते हैं, पुराना माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो भी आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कहने का मतलब यही है जो आपको आज के वीडियो में बता रहा हूं, कि अभी के टाइम में माय फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। इसीलिए मेरे को एक आइडिया आया, तो ये आइडिया क्या है और इस आइडिया को आपको यूज कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे ब्राउज फीचर में बहुत ज्यादा ब्लॉग से रिलेटेड, ज्यादातर माय फर्स्ट ब्लॉग करके ये वीडियो आ रहे हैं। मतलब इस बात का अंदाजा ये है कि YouTube का एल्गोरिथम अभी ब्लॉग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। मतलब अगर आप सब माय फर्स्ट ब्लॉग बनाओगे तो आपका माय फर्स्ट ब्लॉग ज्यादा वायरल होगा। पर आपको माय फर्स्ट ब्लॉग बनाने से पहले ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये काम अपने घर में नहीं करना है, ये काम आपको खेत में, जिसको हम और आप चौड़ी बोलते हैं, वहां पे जाके करनी है। और वहां पे आपको अच्छे से ब्लॉग बनानी है। ब्लॉग कैसे बनानी है वो आपको मैं आगे बता रहा हूं। फिलहाल आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि माय फर्स्ट ब्लॉग जब आप बनाना, तो आप ये बात जरूर से ध्यान रखना। आपको पहला बात ध्यान ये देना होगा कि आपको 1 मिनट से ज्यादा की माय फर्स्ट ब्लॉग बनानी ही नहीं है। उसके बाद थंबनेल पे आपको काम करनी है। थंबनेल पर आप काम करोगे तो 100% आपके माय फर्स्ट ब्लॉग वाले वीडियो पे लाखों में, मिलियनों में व्यूज आएंगे। तो आप इस बात का ध्यान देना, पहले बनाने से पहले आप थंबनेल के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, माय फर्स्ट ब्लॉग थंबनेल कैसे बनाए इन सब पर थोड़ा रिसर्च कर लेना एंड सीख जाना, उसके बाद ही माय फर्स्ट ब्लॉग बनाना। तो आपको माय फर्स्ट ब्लॉग रिकॉर्ड कैसे करना होगा, चलिए हम चलते चौड़ी में, वहीं पर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम आ चुके हैं अपने खेत में, और अब आपको मैं बता रहा हूं कि ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड कैसे करें। तो देखो दोस्तों ब्लॉग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जब आप अपने खेत में आ जाओगे, तो अगर आप अपने खेत में आए होंगे तो आप लोगों के खेत में गेहूं तो होगा ही, क्योंकि अभी गेहूं का सीजन चल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, 5 से 10 सेकेंड का एक सिनेमैटिक शॉट लेना है अपने गेहूं वाले खेत में। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप नीचे ले जाना, ठीक है।
मोबाइल को इस तरह से रख देना एंड इस तरह से मोबाइल को घिसकाते जाना, सिनेमैटिक शॉट यहाँ पे बंद आ जाएगा। इस तरह से आप 5 से 10 सेकेंड का क्लिप क्रिएट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो को रोक देना है, यानी कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। अब आप पॉज नहीं करना चाहते वीडियो को, तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह से अपना कैमरा को इस तरह से घुमा लीजिएगा। बाय द वे, ब्लॉग रिकॉर्ड करते समय आपको कैमरा में देखना है, स्क्रीन में नहीं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे बोलिएगा अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते थे, ये सब आपको अपने माय फर्स्ट ब्लॉग में बोलनी है। उसके बाद आप लोगों को ये बोलनी है, मैंने इतना तक पढ़ा है, मतलब कि अगर आपने 10 पास किए होंगे, अगर आपने 12 पास किया है, तो जितना भी आपने पास किया होगा आपको बोलना है कि मैंने इतना पढ़ाई किया है, उसके बाद अब मेरे पास कोई काम ही नहीं है, अब मैं वैसे ही बैठा था तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू करते हैं, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे जा पाएंगे, तो आप सब प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, दिल से सपोर्ट करिएगा। आप इसी तरह से कुछ बोल दीजिएगा। जब आप अपने बारे में पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, उसके बाद आप लास्ट में ये कह देना कि मैं बहुत ही छोटे से गांव में हूँ, गांव में रहता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करोगे तो ही हम आगे जा पाएंगे। इसी तरह से आपको थोड़ा सा इमोशनल करनी है अपने वीडियो में, ताकि लोग आपको सपोर्ट करें। ज़्यादातर माय फर्स्ट ब्लॉग वही वायरल होते हैं जिसमें वो इमोशनल हुए होते हैं, वो अपनी स्टोरी को गरीब में बताए होते हैं। तो आप सभी ऐसा करो, आपके भी वीडियो पे ज़्यादा व्यू जाएंगे, आपका भी माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल होगा। तो आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है ब्लॉग रिकॉर्ड करने का, उसी तरह से आप रिकॉर्ड करना। एंड जो जो मैंने आपको मेथड बताया, जो जो मैंने आपको टिप्स दिया है, रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या करनी होगी, वो सब ध्यान रख कर ही आप ब्लॉग वीडियो बनाइएगा। बट माय फर्स्ट ब्लॉग बनाने से पहले जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको थंबनेल के बारे में जानना है, तो आप थंबनेल के बारे में पहले जान लो, उसके बाद ही आप माय फर्स्ट ब्लॉग रिकॉर्ड करने अपने खेत में आना। तो भैया हमें धूप लग रही है, हम अब जा रहे हैं अपने खेत में, नहीं खेत में तो हम ये ही, हम अब जा रहे हैं अपने घर, एडिट करनी होगी हमें वीडियो, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो चलिए चलते हैं अपने घर में, तब तक के लिए लाइक करिए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि YouTube का एल्गोरिथम अभी के टाइम में माय फर्स्ट ब्लॉग पे कितना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो आप सबको चाहिए माय फर्स्ट ब्लॉग पे वीडियो बनाना, तो आप सब बनाओ। अगर आपका ब्लॉग का चैनल है तो आप बनाओ, अगर आपने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है तो आप एक नया चैनल क्रिएट करो, उस पर ट्राई करो। अगर आपने कोई चैनल ही नहीं बनाया है, आप वैसे ही बैठे हो अपने घर पे, तो आप एक बार ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो आप ट्राई करो। बहुत लोगों की जिंदगी माय फर्स्ट ब्लॉग ने बदली है, तो आप सबकी भी बदल सकती है, तो आप एक बार ट्राई जरूर से करना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अगर कमेंट करोगे तो माय फर्स्ट ब्लॉग से रिलेटेड मैं काफी सारा वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा माय फर्स्ट ब्लॉग का थंबनेल कैसे बनाए, माय फर्स्ट ब्लॉग एडिट कैसे करें, माय फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कैसे करें, माय फर्स्ट ब्लॉग को वायरल कैसे करें, इन सब से रिलेटेड बहुत कुछ मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आप कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इस पर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, एंड देखते रहिए RJTech2M।